मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ की ऐतिहासिक धरोहर माँ नौचंदी देवी मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई उस समिति को डिप्टी रजिस्ट्रार ने निरस्त कर दिया, जिसमें शहर के तमाम नामचिन शख्सियत शामिल थे। इन लोगों में भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिग्गज पदाधिकारी शामिल हैं। दिलचस्प व गंभीर बात यह है कि यह समिति अब निरस्त हुई है, लेकिन इस कमेटी ने जीर्णोद्धार के लिए वहां एक कंकर भी नहीं लगाया है, जबकि इसका गठन ही कहते हुए किया गया था कि यह समिति मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने के लिए इसका जीर्णोद्धार करेगी। इस संपूर्ण घोटाले में शहर के लेखपाल नरेंद्र कुमार वर्मा की कार्यप्रणाली न केवल संदिग्ध पाई गई, बल्कि उसी जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए रसूखदार लोगों की समिति को रजिस्टर्ड किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक अमित अग्रवाल इस निरस्तीकरण के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में शहर के दिग्गजों की यह भारी भरकम सेना ऐसा कोई भी सबूत डिप्टी रजिस्ट्रार व प्रशासनिक अफसरों को नहीं दिखा पाई, जिसके आधार पर उनके इस कदम को जायज ठहराया जा सकता। निरस्तीकरण पत्र में डिप्टी रजिस्ट्रार ने साफ कहा है कि उनके कार्यालय को गुमराह कर इन रसूखदार लोगों ने समिति का पंजीकरण कराया है। मैं हूं रवि शर्मा और सच वही जो फर्स्ट पॉइंट दिखा है। मेरठ के इस ऐतिहासिक मंदिर की तमाम मान्यताएं हैं। आमने सामने स्थित बाली मियां का मजार और मंदिर दोनों संप्रदायों के बीच आपसी सौहार्द की मिसाल कायम करता है। माँ नौचंदी के नाम पर मेला नौचंदी लगता है और मेरठ से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस का नाम भी नौचंदी इसीलिए रखा गया है। अब बात शहर के उन रसूखदार, इज्जतदार व उन प्रभावशाली लोगों की जिन्होंने जीर्णोद्धार के नाम पर अपनी सरकार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए समिति पंजीकृत कराई। इसमें आनंद प्रकाश अग्रवाल को अध्यक्ष, नरेंद्र कुमार तनेजा उपाध्यक्ष, अनिल कुमार शर्मा महामंत्री, संजीव कुमार पुंडीर मंत्री, अरुण जिंदल कोषाध्यक्ष, विघ्नेश कुमार संगठन मंत्री, करुणेश नंदन गर्ग प्रचार मंत्री, नरोत्तम कुमार गर्ग कानूनी सलाहकार, हरिकांत आहलूवालिया सदस्य, देवेंद्र मोहन, हरवीर पाठक, रविकांत भटनागर, विनोद कुमार भारती, संदीप पहल, अमित अग्रवाल, ज्ञानेंद्र कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार गोयल, रोहतास शर्मा, सुशील गुजर, अश्वनी गुप्ता, भृगु नंदन शर्मा सदस्य बनाए गए थे। नौचंडी मंदिर के महामंत्री संजय कुमार शर्मा ने इसे पैतृक संपत्ति बताते हुए शिकायत की थी। आज फर्स्ट बाइट को संजय कुमार ने यह जानकारी दी। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं ये बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक प्राचीन श्री चंडी देवी मंदिर है जो कि नौचंदी मैदान स्थित है, और इसकी मान्यता मंदिर की मैं बता दूं पहले, सबसे पहले आपको कि इसकी मान्यता यह है कि यहाँ मंदोदरी जो हैं रावण की पत्नी थी वो पूजा करना आया करती थी, और जब से ये मेला लगता आ रहा है यहाँ पर इसी मेले के नाम पर जो है प्राचीन श्री चंडी देवी मंदिर के नाम पर ही नौचंदी ट्रेन चलती है जो मेरठ से लखनऊ के लिए चलती है। और इस मंदिर की मान्यता को देखते हुए कुछ लोगों ने जो कि भाजपा से संबंधित, आरएसएस से संबंधित हैं, उन लोगों ने गलत मंशा से यहाँ से धन एकत्रित करने के लिए मंदिर के नाम पर और मंदिर को, मंदिर की छवि ख़राब करने के लिए उन लोगों ने एक फर्जी सोसाइटी का गठन कर लिया 2019 में, जिसमें कि हमको जो है किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, किसी तरह से कोई हमको विश्वास में नहीं लिया गया। ये संपत्ति जो है ये हमारी अपनी पर्सनल संपत्ति है जिसके हमारे पास सभी तरह के वसीयत बैनामे 1803 तक की वसीयत हमारे पास हैं, और हमारा पूर्वजों से ये कार्य हमारा चला आ रहा है, हम लोग ही इसकी देखभाली करते हैं। वहीं मंदिर प्रबंधक व पुजारी महेंद्र कुमार शर्मा ने यह भी रहस्य उद्घाटन किया कि मंदिर परिसर में जिस सत्संग भवन का निर्माण चल रहा है उसकी धनराशि के लिए शहर विधायक रफीक अंसारी ने काफी प्रयास किए हैं। मेरा नाम पंडित महेंद्र कुमार शर्मा है। मैं श्री प्राचीन श्री चंडी देवी मंदिर के धर्माचार्य हूँ मैं, समझे। और ये जो आज तक इन्होंने एक पैसा तक नहीं लगाया, ये 15 साल हो गए इनको। किन लोगों ने लगाया? ये भाजपा विधायक रहे, MLA MP सभी, और ये आज तक पैसा नहीं लगाया। और किन किन सौजन्य से बन रहा है? और ये जो आप देख रहे हैं इनसे भी हमने कहा, भी मैंने वाजपेयी जी से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सबसे मैंने पहले कहा था कि भाई आप लोग यहाँ पर कुछ कराइए, क्योंकि सामने लोग कर रहे हैं। हम सब सामने बीमा जर्नल भी आए, उन्होंने भी कहा कि पंडित जी हमें आज्ञा दे तो हम कुछ बनवा दें। मैंने भैया भाई कमेटी अभी आज्ञा देगी तो मैं बनवाऊँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा।
आज मजबूरी में होकर के रफीक अंसारी जी इसको बनवाने जा रहे हैं, 50 लाख रुपया का टेंडर पास कराया है। अब मैंने उनको NOC दे चुका हूँ उनको बनाने के लिए, और उनका वादा है कि 15 जब आगे भी हम बनवाएंगे अगर आप NOC देंगे तो। इन्होंने आज तक शर्म की बात है कि 6 विधायक होते हुए अरे एक आज तक पैसा नहीं लगाया। मैं भाजपा से, मेरी भी 82 साल की उम्र है, भाजपा से जुड़ा हूँ सब। नहीं, अब की बात में मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं। ब्राह्मण एकता जो है इनकी एजेंसी कर देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और हाँ, कोरोना की तीसरी लहर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लिहाजा बेहद सावधान रहें, भीड़ वाली जगह जाने से परहेज करें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .in। नमस्कार।